उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। हरीश रावत ने कहा है कि ये नई बात नहीं है कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें ऐसे इनपुट मिले हैं कि ईवीएम को बदला भी जा सकता है, इसलिए ईवीएम पर कांग्रेस अपनी पैनी नजर बनाए रखेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया ने अपने सभी जिला अध्यक्षों को स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। रावत के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के मुताबिक कांग्रेस को भारत की तकनीक पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पुरानी आदत है, जहां पर कांग्रेस चुनाव जीत जाए वहां पर ईवीएम थी, जहां हारी वहां ईवीएम में गड़बड़ी, लिहाजा कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने वाले दावे पर भरोसा ही नहीं है। वो खुद ही कहते हैं जब वो हैं तो सब कुछ मुमकिन है, तो ये भी तो मुमकिन है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो जाए, और ये भी मुमकिन है कि ईवीएम बदल दी जाए। तो आप भी क्या कार्यकर्ताओं से ऐसे अपील करते हैं कि निगरानी पूरी तरीके से, जब अध्यक्ष जी ने कहा है तो उसमें सभी का, हाथी के पांव में सबका पांव, उन्होंने जो भी कहा है और ये पूरी पुख्ता शंकाओं और सूचनाओं के आधार पर कहा है, सब लोग डरे हुए हैं। हम प्रशासन तंत्र से अपेक्षा करते हैं कि वो निष्पक्ष अंपायर की भूमिका में रहे। जहाँ उनके प्रतिकूल होता है वो तो ईवीएम की गड़बड़ी इस बात को कहते हैं। अच्छा है, कांग्रेस अगर उसकी निगरानी करती है तो अच्छी बात है, लेकिन ईवीएम न तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, न मोदी जी ने बनाई है। ईवीएम हमारे इस देश के तंत्र वैज्ञानिक, जो हमारे टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा ईवीएम बनाई गई, और बार बार इस बात के इन प्रश्नों का समाधान चुनाव आयोग ने किया।